अस्सलामुअलैकुम। ये गाड़ी की हेडलाइट्स वीक थी और आजकल वर्कशॉप अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम खुद ही चेंज करते हैं। तो फिर लाइट्स वगैरह खोली हैं ये, और इसके ऊपर काम लगा हुआ है। वो कुछ चीज़ें अभी बाज़ार से लेनी है। ये कल्टस गाड़ी का सामान है और लाइट्स वगैरह। अब क्योंकि हेडलाइट्स मेरी गाड़ी की कमज़ोर थी, तो सोचा कि हम इसको, ये दूसरी भी लाइट खोली है हमने, ठीक है। और इसको अब इनके अंदर से बल्ब चेंज करने हैं, नए हाई पावर वाले लगाने हैं ताकि रोशनी ज़्यादा हो जाए। तो ये इसमें आप HD वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन HD लाइट से ये होता है कि जो आगे से गाड़ी आ रही होती है उसको ड्राइवर को बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा जेन्युइन जो गाड़ी के साथ लाइट्स आती हैं उसी के साथ की ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि HD लाइट या जो वाइट क्रिस्टल लाइट होती है उससे, चाइना वाली आजकल जो आई हुई हैं उससे ये होता है कि जो आपके आगे गाड़ी आ रही हो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है ड्राइवर को। तो जो येलो लाइट होती है, जेन्युइन जो लाइट्स आती हैं गाड़ियों की, उसके साथ की ही लाइट लेके मार्केट से चेंज करें तो बेहतर है, क्योंकि एक्स्ट्रा आपकी लाइट तो गाड़ी की तेज़ हो जाएगी, लेकिन जो आगे से आने वाली ट्रैफिक होती है उसको बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमेशा कोशिश करें कि जो आजकल लोग HD लाइट्स लगाते हैं और प्रोजेक्टर लगा के पीछे, और वो इतनी लाइट तेज़ हो जाती है कि आगे वाली गाड़ी वाले को मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर देती है। तो चलें, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। मैं कल अब इसका मज़ीद वर्क कंप्लीट करूँगा जी, फिर आपको उसकी वीडियो भेजूँगा। तो थैंक यू। ये कल्टस है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज का दिन वर्कशॉप में गुजर गया जी, गाड़ी ठीक कराते कराते। अच्छा खोलो बेटा। सुजुकी बोलान जामन, जामन का फल जो है ना वो पड़ गया, अभी इसके फूल पड़ने गए और इसके बाद ये पकना शुरू होंगे।